डियर फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों को हाइड्रोलिक के बारे में बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इससे मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ड्राइंग को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, और आप लोग जो हाइड्रोलिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन बड़ी ईजिली निकालोगे। आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोलिक सर्किट में कौन से कंपोनेंट आते हैं। जो कंपोनेंट आते हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व है, आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व की। तो ये जो मेरा सर्किट है जो मैंने तैयार किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, उस सर्किट के अंदर आप लोग देखोगे कि मैंने नंबर्स डाले हैं रेड मार्कर से। तो ये नंबर्स के हिसाब से मैंने इनको नाम दिया है। तो जो ये कंपोनेंट है, जैसे एक नंबर पर टैंक हो गया, दो नंबर पर ब्रीदर हो गया, तो आप लोग इसको ईजिली देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे 8 नंबर पे जो अपना रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, वो रिलीफ वाल्व कैसे काम करता है और उसका फंक्शन क्या है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा रहता है कि ये रिलीफ वाल्व कैसे एडजस्ट होगा, कुछ लोग उसको उल्टा खोलते हैं, सीधा खोलते हैं, बट मैं आज आप लोगों को क्लियर करूँगा कि ये हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व जो लगा है, इस रिलीफ वाल्व के अंदर ये फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे इसका वर्क होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं इसको इधर लेके आता हूँ, एक ये ब्लॉक होता है, और इसके अंदर मैंने ये लाइन दी है। सबसे पहले मैं आपको लाइन क्लियर कर दूं कि ये जो डॉटेड लाइन है सर्किट के अंदर, जहां जहां डॉटेड लाइन है इसका मीन्स वो पायलट लाइन है, और जो हल्की जो गहरी है वो प्रेशर लाइन है, जो ज्यादा गहरी है वो टैंक लाइन है। तो हम ये यहाँ पे ले रहे हैं, सेम वैसे ही हम कॉपी कर रहे हैं इसको। ये टैंक हो गया, ये पी हो गया जो पंप से आ रही है, ये पंप लाइन है, ये ऊपर जो है सिस्टम को जा रहा है, ये नीचे पंप से आ रही है। तो इसमें क्या है कि एक बीच में स्पूल डला होता है, ये स्पूल होता है जो रिलीफ वाल्व के अंदर एक एक दिया है। ये एक एक पार्ट्स का मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये स्प्रिंग होता है इसमें, और ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ इसका मतलब जहाँ भी हाइड्रोलिक सर्किट, कोई भी हाइड्रोलिक सर्किट है, रिलीफ वाल्व नहीं बाकी चीज़ में भी, जहाँ एरो आता है मीन्स वो एडजस्टेबल है, वहाँ पे एडजस्टेबल कोई स्क्रू लगा हुआ है जिससे आप हाइड्रोलिक प्रेशर या स्पीड को कम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल हाइड्रोलिक वाल्व की। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मैंने पायलट लाइन आपको यहाँ पे दिखाया है, ये पायलट लाइन इंटरनल पायलट लाइन है। तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइन सीधा जुड़ा होगा, मीन्स वो हाइड्रोलिक का एक्सटर्नल रिलीफ वाल्व, एक्सटर्नल पायलट लाइन लगा होता है। तो हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो है इंटरनल पायलट लाइन। तो यानी ये जो हमारा है, ये डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल्व जो होता है, बी डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल्व, तो ये डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल्व काम कैसे करता है, आज हम उस पर बात करेंगे। ये सिस्टम को अपनी लाइन जा रही है, इधर पंप से आ रही है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब हम लोग इसको पूरा खोल देंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब इसको पूरा ढीला करके रखते हैं स्क्रू को, तो उस टाइम जब ये पंप प्रेशर मोटर ऑन होगा, फ्लो जो लिक्विड है वो जाएगा और पी से टैंक लाइन में अपना वापस चला जाएगा। ये मैंने ओपन सर्किट आपको दिखाया है जो पंप सीधा टैंक में ड्रेन कर रहा है। अभी होता क्या है कि ये हमने पूरा जीरो कर दिया, तो जब हमारा एक वाइल ऑन होगा तो ये सर्किट, ये वाला जो पोर्ट है ये इसमें बैठ जाता है, लाइन इसमें जुड़ जाती है, सिलेंडर अपना वर्क करना शुरू करता है। उस कंडीशन पे क्या होगा, अगर ये ढीला है पूरा, अपने एंटी क्लॉकवाइज इसको खोल के रखा है, तो आपका जो प्रेशर है वो ये गेज में प्रेशर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जब आप लोग टाइट करते हो तो होता क्या है कि ये जो आपका अंदर का स्पूल है उसके ऊपर दबाव पड़ता है। तो जब पायलट लाइन है ये आकर के इसको वापस धकेल दिया, अगर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज खोल के ढीला कर दिया तो क्या होगा कि ये पी पोर्ट और टी पोर्ट दोनों मिल जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका इधर वाल ऑन होने के बाद भी, और ये दोनों पी पोर्ट और टी पोर्ट मिलने के बाद, टैंक जो आपका फ्लो आ रहा है वो फ्लो आपका टैंक में चला गया। अगर फ्लो ही आपका टैंक में चला गया तो आगे वर्क होगा ही नहीं। जब वर्क नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसको टाइट करते हैं, जो आपका ये एडजस्टेबल स्क्रू है इसको आप टाइट करो। जब आप लोग टाइट करते हो तो ये स्क्रू ऊपर की तरफ उठता है, नॉर्मली मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ उठता है। तो होगा क्या, इधर पायलट लाइन में प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि पी और टी
आपका कट गया, इधर आपका ये वाला इसके अंदर बैठ गया है पोर, तो ये सीधा उसमें जुड़ा हुआ। उस कंडीशन पे फ्लो को और कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, सीधा इसमें जाकर के सिलेंडर को ऑपरेट करवाएगा और इधर से निकल नहीं पाएगा क्योंकि पी और टी तो हमने काट लिया है स्क्रू एडजस्ट करके। तो होता क्या है कि एक्चुअली जब आपका सिलेंडर पूरा आगे जाकर के मूवमेंट उसका रुक जाता है, उस टाइम आपका प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है क्योंकि फ्लो तो लिक्विड तो मिल ही रहा है, उसको वॉल्यूम मिल रहा है, तो क्या होगा वो जाकर के प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू करेगा पंप। उस कंडीशन पे क्या होगा कि ये जो पायलट लाइन है आपका ये नीचे की तरफ धकेलना शुरू करेगा। जो आपने जितना इसको टाइट किया है, सपोज करो आपने इस पर 50 केजी के हिसाब से टाइट किया है, तो 50 केजी या 100 केजी, 100 केजी पे किया है तो 100 केजी पे आपका गेज आएगा। उस कंडीशन पे आने के बाद ये आपका नीचे सरकेगा, अगर ये नीचे सरकेगा तो क्या होगा इसके सामने आएगा, इसके सामने आने के बाद जो एक्स्ट्रा आपका लिक्विड फ्लो जो है वो इसके अंदर से वापस टैंक में आना शुरू हो जाएगा और आपका प्रेशर 100 केजी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जो रिलीफ वाल्व का जो मेन फंक्शन है वो प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, प्रेशर को घटाना बढ़ाना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्ट टाइप, ये तो मैंने ग्राफिक सिंबल बताया आपको, एक नॉर्मली आपको बताता हूँ 3D टाइप में। इसमें क्या होता है कि ये ब्लॉक मैंने लिया है, इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि एक होल होता है सेंटर में। अब क्या होगा कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये टी पोर्ट बना दिया, ये मेरा टी पोर्ट बन गया, इधर अपना पी पोर्ट था, तो यहां से आपका प्रेशर आएगा। इधर मैंने क्या करा है कि एक स्पूल डाल के रखा है और इसके अंदर यहां पे हमने स्प्रिंग डाला है। अब अगर आप इसको टाइट कर रहे हो तो क्या होगा कि स्पूल आगे की तरफ जाएगा, जब आप इस स्क्रू को टाइट करोगे तो स्पूल आगे की तरफ जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा इसका, पी से ये टी लाइन को जो जाने वाला है ये रास्ता बंद हो जाएगा। जितना आप इस पे दबाव रखेंगे उतना इधर से प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये वापस रिटर्न स्प्रिंग को दबाएगा, जब स्प्रिंग दबेगा उस कंडीशन में आपका ये रास्ता खुलेगा ऐसे, तो ये आपका टैंक में जाना शुरू हो जाएगा जब आपका प्रेशर अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं एक दूसरे तरीके से और आपको बताना चाहूंगा, जब एक्चुअली आपने देखा होगा जब कई बार 3D में दिखाते हैं, ये नीले रंग में दिखाते हैं जो प्रेशर लाइन होती है अपनी, इसको हम रेड कलर में दिखाते हैं, तो ये यानी कि जब प्रेशर बना हुआ है उस टाइम ये रेड रहेगा और इधर आपका ब्लू यानी जो निकल रहा है वो टैंक लाइन में जो जा रहा है वो आपका नीले रंग में आएगा। तो आपको ड्राइंग पढ़ने में मैं समझता हूँ कि कुछ हेल्प जरूर मिलेगा इसमें। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे इस सर्किट से आप लोगों को समझ में आया है और हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी देख पाएँ। जितने मेरे को व्यूज़ और लाइक्स मिलेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो दिखा पाऊँ और आप लोगों के साथ मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को भी जो दिक्कतें आ रही है वो सुलझ सके। Thank you.